हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं कृष्णा शर्मा। दोस्तों, रिसर्च पेपर क्या होते हैं और रिसर्च पेपर क्यों प्रिंट कराए जाते हैं, क्यों पब्लिश कराए जाते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस है एक टीचर की या एक प्रोफेसर की लाइफ में, ठीक है, और एक स्टूडेंट के लिए, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। देखो, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, सबसे रिसर्च पेपर क्या होता है, कोई भी ऐसे आर्टिकल यानी आप जिस भी फील्ड में लिख रहे हैं उसमें आप किसी टॉपिक पे अपने व्यू देते हैं, ठीक है। जैसे आपने ऐसे लिखा स्कूल या कॉलेज लेवल पे ऐसे लिख लिए, इसी तरह रिसर्च उसका थोड़ा सा बड़ा रूप होता है। यानी आपको रिसर्च पेपर लिखना है तो उसका थोड़ा सा ऐसे का थोड़ा सा बड़ा रूप हो जाता है, ठीक है। आप रिसर्च पेपर कैसे लिखें, ठीक है, और क्यों लिखें, सबसे पहले तो बता दूं क्यों लिखें, ठीक है। रिसर्च पेपर क्यों जरूरी है, ज़्यादातर क्या होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मास्टर डिग्री में बताते नहीं है फैकल्टी वाले कि स्टूडेंट को रिसर्च पेपर लिखना चाहिए, जबकि अमूमन अगर आप मास्टर डिग्री में हैं, एमए एमएससी वगैरह मास्टर डिग्री कर रहे हैं और अगर आप रिसर्च प्रपोजल रिसर्च पेपर नहीं छपवा रहे हैं, नहीं पब्लिश करा रहे हैं, तो आप दो कदम बैकवर्ड हो जाते हैं। क्योंकि जो हाई फॉरवर्ड जो दुनिया चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आगे बढ़ना है, डे बाई डे प्रोग्रेस करना है, तो आपको कम से कम दो या एक पेपर अपनी मास्टर डिग्री में पब्लिश करा लेने चाहिए। बट कराते नहीं क्योंकि जानकारी नहीं होती है, टीचर लोग बताते नहीं, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि टीचरों के भी रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होते हैं। उनकी एज हो जाती है, उनका बुढ़ापा आ जाता है, रिटायरमेंट की एज तक हो जाते हैं बट उनका रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुआ होता है। तो फिर कैसे टीचर ऐसे टीचर कैसे स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश कराओ, ठीक है। बट मैं बता दूं कि अगर आप एकेडमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप टीचिंग में हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए रिसर्च पेपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं मास्टर के बाद, सेट क्वालिफाई हैं या फिर आपने पीएचडी कर लिया, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो रिसर्च पेपर है। उसके बिना आप नौकरी तो पा सकते हैं बट तरक्की नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब तो यूजीसी की भी क्लियर गाइडलाइन है कि एक रिसर्च पेपर के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं जब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्लियर होता है, ठीक है। तो दो और यूजीसी के अकॉर्डिंग 5 रिसर्च पेपर होने जरूरी हैं, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा होता है 10-15 रिसर्च पेपर भी मांग लेते हैं और उनका मार्किंग भी होता है, ठीक है। तो रिसर्च पेपर जरूरी है। मास्टर डिग्री में अगर आप रिसर्च पेपर एक या दो पब्लिश करा लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर होता है वो, क्योंकि आपका एक तो लेवल अप हो जाता है, आप सीखते कुछ ज़्यादा हैं, स्टूडेंट जो आपके कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा आप एक्टिव हो जाते हैं, उनसे आगे हो जाते हैं अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करा लेते हैं। तो रिसर्च पेपर पब्लिश जरूर कराएं, सभी मास्टर्स वालों के लिए मैं सलाह दूंगा। अपने टीचर से बात करें कि हमें रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है, आप वीडियो देखें, जानें कैसे पब्लिश कराते हैं, मैं भी बताऊंगा कि रिसर्च पेपर कैसे लिखें और कैसे पब्लिश कराएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डिटर्मिनेशन कर लें अपने माइंड में कि अब रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है। अगर एकेडमिक में, अगर आप हायर एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, अगर आप मास्टर्स में हैं या फिर आपने नेट या सेट क्वालिफाई कर लिया है, पीएचडी कर लिया है और आप अब तक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करा पाए, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है, कैसे कराना है, सबसे पहले तो आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट का, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसमें कोई भी टॉपिक ले लीजिए और उसमें लिखिए, आप जितना लिख सकते हैं लिखिए। कम से कम ऐसा होता है 5 से 10 या 12 पेज तक हो जाता है रिसर्च पेपर, तो आप जितना लिख सकते हैं 7, 8, 10 पेज का रिसर्च पेपर यानी कोई टॉपिक है उस पर लिख लें, ठीक है। सबसे पहले उसमें जैसे ऐसे लिखे जाते हैं सेम प्रोसेस होती है, एब्स्ट्रैक्ट बोल देते हैं इन रिसर्च लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन हो जाता है, टॉपिक पे आप अपने व्यू दे दीजिए, ठीक है। 7, 8, 10 पेज, 5 पेज और 6 पेज, इस तरह से आपने लिख दिया टॉपिक, ठीक है। कम से कम जो लिमिट होती है जर्नल्स की वो 5,000 वर्ड्स होती है, तो 5,000 वर्ड से आप ऊपर जाके लिखना है, ठीक है। तो 15 पेज तक भी आप लिख सकते हैं एक टॉपिक को, आपने लिख लिया। लिखना कैसे है, अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट में इतने पूर्ण नहीं है कि डायरेक्ट लिख सकें, तो आप हेल्प लीजिए, न्यूज़पेपर की हेल्प लीजिए, ऐसे जो होते हैं उनकी हेल्प लीजिए, ठीक है। आर्टिकल वहाँ से हेल्प लीजिए, किसी किताब से हेल्प लीजिए, ठीक है। किसी तो एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो, उस टॉपिक के बारे में इंटरनेट से पढ़ो, ठीक है, किताबों से पढ़ो, ठीक है। कोई
ऐसे आर्टिकल मिल जाए वहाँ से पढ़ो, किसी टीचर से गाइडेंस लो, ठीक है, एक टॉपिक पे बहुत बहुत सारा ज्ञान कलेक्ट करो, उसके बाद उसको लिखो, ठीक है। लिख लिया आपने, अगर तैयार हो गए, आप क्या करना है, यूजीसी की साइट पे जाओ और वहाँ जाके सर्च करो यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स, ठीक है। यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में आप अपना सब्जेक्ट सर्च करो, अपना सब्जेक्ट जब सर्च कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें एक लिस्ट आ जाएगी जो यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल है आपकी सब्जेक्ट के, उसमें से कोई भी जो जर्नल आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लो, उसकी जो रूल्स और रेगुलेशन है वो स्टडी करो कि किस तरह से किस किस मंथ में पॉलिसी पब्लिकेशन के लिए आर्टिकल्स या पेपर मांगते हैं वो देखो, उसके बाद उस पर उनकी जो पॉलिसी होती है पीडीएफ में या फिर वर्ड में जैसे भी मांगते हैं उनको मेल कर दो, और उसके बाद उनका रिव्यू टाइम होता है, जो प्रोसेस होती है वहाँ जर्नल पे सब पे लिखी हुई होती है, आप उसे स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई कमी होगी तो आपको बताते हैं कि आपके आर्टिकल में आपके पेपर में ये कमी है, इसे इम्प्रूव कर लो, आप इम्प्रूव करो और फिर वो कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है उसके बाद वो आपका पेपर पब्लिश करा लेते हैं, कुछ थोड़ी सी फीस लेते हैं वो पब्लिकेशन की, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को काफ़ी सारे फैकल्टी लोग जानते नहीं हैं और बताते नहीं हैं स्टूडेंट्स को, मास्टर्स में नहीं बताते हैं, जहाँ मास्टर्स में कंपलसरी होता है थीसिस लिखना, शॉर्ट थीसिस, वहाँ तो कंपलसरी है, उसके सिवा कुछ और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कराता है, बट अगर आप मास्टर्स में हैं या फिर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, कहीं टीचर टीचिंग कर रहे हैं, टीचर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बट आपने पीएचडी में दो रिसर्च पेपर कंपलसरी हैं पब्लिश कराने, बट कुछ लोग क्या होता है दो पब्लिश कराए बस वहीं स्टॉप हो गए, बट आपको रुकना नहीं है, आपको कम से कम 5, 7, 8, 10 पेपर पब्लिश कराने हैं, बट कुछ लोग सोचते हैं हम तो लिख ही नहीं पाते हैं, तो मैंने जो तरीका बताया इस तरह से आप पेपर लिख सकते हैं स्टडी करके, देखो मेहनत तो करनी होती है, पढ़ना तो होता है तभी हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाएगा, तो आप रिसर्च पेपर के लिए मेहनत करें और रिसर्च पेपर पब्लिश कराने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी काम आने वाला है, ये रिसर्च पेपर की मार्किंग भी होती है, हमारा स्टेटस और स्टैंडर्ड भी अप होता है, और जब हम जो जो भी लोग नेट क्वालिफाई होते हैं या पीएचडी होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भर्ती होते हैं, जब हमारा प्रमोशन का वक्त आता है तो वहाँ यही सब चीज़ें देखी जाती हैं, आपने देखा होगा कि 55-60 एज होने वाली होती है लोगों की और वो एट लास्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ही होते हैं, और मैं 25-27 की एज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, अगर मैं आगे बढ़ के अपना जो स्टेटस है अपना जो बायोडाटा रिज्यूमे सीवी है उसको अपना करूँ, यानी रिसर्च पेपर पब्लिकेशन ये सब चीज़ें ना कराऊँ, तो एट लास्ट 60 की एज तक भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहूँगा, तो इससे अगर हमें आगे जाना है, इससे आगे उठना है, तो हमें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा, रिसर्च पेपर पब्लिश कराने होंगे, रिसर्च में इंटरेस्ट लेना होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा, तो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मास्टर्स में, मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराएं, कम से कम एक पेपर मास्टर्स में करा लें, एमए कर रहे हैं तब भी, एमएससी कर रहे हैं तब भी, कम से कम एक पेपर जरूर पब्लिश करा लें, खर्चा नहीं होता है, 2 या 2,500 रुपये खर्चा होता है मुश्किल से, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे 1 महीने आप एक पेपर आराम से, अगर आप इंटेलिजेंट हैं जीनियस हैं तो 10 दिन में 15 दिन में 1 हफ्ते में भी आप एक रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, बट आप मेहनत करेंगे तो 1 महीने में तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा मास्टर्स वालों के लिए, तो आप रिसर्च पेपर पब्लिश कराइए अगर आप हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।